नुसरत साहब आप बात करें, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है मैडम, नुसरत साहब बात कर लें, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप लोग बैठ जाएं। मोहम्मद हुसैन साहब, मैडम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा अहम इशू है जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ, और रिक्वेस्ट भी इसीलिए सुबह सुबह मैंने डाली थी क्योंकि आज पाँचवा दिन है डिप्टी स्पीकर साहिबा, पाँचवा दिन, और पूरी सिंध के नर्सिंग स्टाफ जिसमें बड़ी तादाद में, मैं जब कल गई तो यकीन माने बड़ी तादाद में ख़वातीन, जिसमें यंग भी हैं, मिडिल एज की भी हैं, और मैंने काफ़ी एजड ख़वातीन भी वहाँ देखी। अच्छा, वो पाँचवा दिन है, वो यहाँ मौजूद हैं, मिनिस्टर साहबा यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर इस चीज़ पर अपना कोई स्टेटमेंट दें कि पाँचवा दिन है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल उन पर लाठीचार्ज हुआ, किस यकीन माने जो सीन दिखाए गए, ऐसा उन्होंने खुदा ना खासा क्या कर दिया था कि उनको घसीट घसीट कर ले जा रहे हैं, उनके हाथ जख्मी हो रहे हैं, दुपट्टे उनके सरों से नीचे गिरे हुए थे। तो एक उनका जो मसला है, कोई जाए सुने तो सही, पाँचवा दिन हो गया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अच्छा वो असेंबली के दरवाजे पर भी आए थे अपनी रिक्वेस्ट लेकर कि कोई जाकर उससे बात करे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो कल भी निकले, कोई किसी ने जाकर उनसे शायद बात नहीं की या की, आई डोंट नो, लेकिन पाँचवा दिन हो गया, मेरी सिंध की बच्चियाँ हैं, बेटियाँ, उसमें मेल नर्सेस भी हैं, हॉस्पिटल में सारा सिस्टम बंद है, मिनिस्टर साहबा नोज दिस इशू के वो वाकई में पूरी सिंध में उन्होंने सारा वो बंद किया हुआ है। तो उनका या एक तो सर्विस स्ट्रक्चर का मसला है और दूसरा शायद उनके प्रमोशन का मसला है, ज़्यादा जो भी है वो मिनिस्टर साहबा को पता होगा। खुदारा मसले को हल करें, कोई पाँच पाँच दिन तक सिंध की सरजमीन पर, कराची की सरजमीन पर बहनें, माएँ, बेटियाँ कहाँ कहाँ से आई हुई हैं, किस किस इलाके से वो ताल्लुक़ रखती हैं, इतना मुकद्दस पेशा, ज़रूर मसाइल हैं तो वो आकर बैठेंगी, तो आप लोग मसाइल सुने और हल की तरफ जाएं, उन ना कि आप उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे स्पीच मिनिस्टर साहिबा से पूछती हूं, पुलिस उन पर डंडे बरसाए, आपको रिप्लाई देती है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मिनिस्टर साहिबा जो है खुशकिस्मती है कि मौजूद है, तो इस चीज पर वो जवाब दें ताकि पूरी आप तशरीफ रखिए, मैं आपको जवाब, आपको जवाब मिलता है कुछ जी, आप जवाब देंगे। जी 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 जी, मैडम डिस्ट्रिक्ट साहब, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे और उनका जो डेलीगेशन था, कल मैंने उनसे बात की और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज वो उनका जो एहतजाज है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ उनके इश्यूज़ थे, कुछ चीज़ें थी जो हमारी मजबूरी थी, हमने वो उनके सामने रखी और मुझे खुशी। अपोजिशन लीडर साहब खड़े हुए हैं, उनके चारों तरफ मेंबर्स हैं। जी, उनके हाउस इन ऑर्डर प्लीज। जी मैडम, उनके जो इश्यूज थे उन्होंने हमारे सामने रखे और फिर हमारे साथ जो इश्यूज थे हमने उनके साथ शेयर किए, और खुशी की बात यह है कि उनका जो डेलीगेशन था वो तमाम चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे थे, और उन्होंने कई चीज़ें ऐसी थी जिससे उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें अंदाज़ा है कि ये चीज़ें इस वक्त नहीं हो सकती, तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर इत्तफाक़ हो गया, और उनकी तरफ से भी इत्तफाक़ है कि ये चीज़ें हो जाएं तो हम एहतजाज ख़त्म कर देंगे, और हमारी तरफ से भी इस बात पे 100% चीज़ें हैं कि जो जिस चीज़ पर वो मान गए हैं वो हम सब करने को तैयार हैं। तो अभी सेक्रेटरी हेल्थ की भी उनसे मुलाकात हुई थी, वो उनसे मिलकर आएँ, और अभी ये इजलास जैसे ख़त्म होता है मैं सीएम साहब से बात करूँगा, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि आज उनका जो एहतजाज है वो ख़त्म हो जाएगा। जी